प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू है, आर्ग्यूमेंट्स चल रहा है। एडवोकेट सीनियर एडवोकेट कामत ने अपना आर्ग्यूमेंट अभी तक ख़त्म भी नहीं किया और फिर 15-20 मिनट अभी एक दिन लगेगा उनका आर्ग्यूमेंट, एक आधा एक घंटा और लगेगा आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद में और से और बहुत एडवोकेट्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, फिर उनका है, फिर उसके बाद में हमारा आर्ग्यूमेंट्स है, वो सब एक हफ्ता कम से कम एक हफ्ता लगेगा अगर डे टू डे प्रोसीडिंग्स चलेगा तो भी। अभी तो फिलहाल कोर्ट के सामने तो आठ नौ एडवोकेट्स हैं जिनका आर्ग्यूमेंट्स और एक हफ्ता चलेगा इंशाल्लाह। तो वैसे ही अड़जान होता रहेगा, देखते हैं कि कोर्ट अभी कल के लिए हियरिंग रखा है 15th को, कल उनका हियरिंग होगा, फिर अपॉर्चुनिटी सबको भी मिलेगी, सब हमारी तरफ से सुनने के बाद में फिर स्टेट को अपॉर्चुनिटी। एडवोकेट जनरल की तरफ से कोई बात रखी गई अभी उनको? कुछ भी नहीं, अभी मौका नहीं मिला क्योंकि सब पहले दिट इज़ द केस ऑफ पिटिशन, हमारा केस है, हम लोग के आर्ग्यूमेंट्स ख़त्म होने के बाद में फिर रिप्लाई में फिर इसमें स्टेट को सुना जाएगा एडवोकेट जनरल आर्ग्यूमेंट करेंगे, फिर उसके बाद में रिप्लाई के लिए मौका देगा उसको क्लारीफाई करने के लिए। कोर्ट के पास बहुत से क्वेश्चंस रहेंगे जो पिटिशनर्स को पूछेंगे, फिर बाद में स्टेट को पूछेंगे, उसके बाद में दोनों की तरफ सुनने के बाद में कंक्लूजन पे आके जब जजमेंट होगा, जब वो कोर्ट एक कंक्लूजन पे आएगा। सर, एडवोकेट देवदास कामत ने एक सबमिशन दिया है कोर्ट को, ये बताया है कि जो CDC को जो पावर दी है सरकार, ये गलत है, सरकार को डिसीजन जो लेना चाहिए वो कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी और MLA को दे रही जो कानून के खिलाफ है, ये सबमिशन उन्होंने दिया है। ऐसा नहीं, वहाँ पे कन्फ्यूजन क्या हुआ था, MLA के अंडर में यानी कि जो CDC जो कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी है उसमें एक मेंबर MLA रहता है, उधर का MLS और पॉलिटिशियंस भी रहते हैं, उधर के प्रिंसिपल और सब रहते हैं। उनका क्वेश्चन कोर्ट को ये था कि वेदर दी MLA एंड दी बॉडीज एंड दी मेंबर्स ऑफ दी कम्युनिटी कैन कर्टेल दी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कैन कर्टेल ए फंडामेंटल राइट ऑफ एनी सिटीजन करके उसने बोला। तो एडवोकेट कामत ने ये बताया था कोर्ट को, तो वो फंडामेंटल राइट एक कमेटी के ऊपर डिसाइड नहीं हो रही है, वो वहाँ पे जो क्लैरिफिकेशन के लिए उन्होंने बताया था कि एक कमेटी हेडेड बाय MLA कैनॉट इन्फ्रिंग और कैनॉट कर्टेल राइट ऑफ ए स्टूडेंट बाय रिस्ट्रेनिंग हर टू वेयर ए हिजाब। सर, और कितने दिन तक के चलने के आपको आसार लगते? मैंने पीछे पहले भी बताया कम से कम 8 से 10 दिन तो मिनिमम लगेंगे, मिनिमम। सर, जिस तरह का आखिरी सवाल, जिस तरह का आर्ग्यूमेंट चल रहा है, आपको क्या उम्मीद है कि जजमेंट किस तरह से सकता है? आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर जजमेंट हम लोग कोर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज क्या ऑर्डर होने वाला है, क्या ऑर्डर होगा, नोबडी कैन से, नोबडी। हाँ, वेदर इट इज़ ए राइट ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन, राइट कोई भी राइट हो, इट इज़ बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी चैलेंज इन पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेर इट स्पीक्स अबाउट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन, इवन फ्रॉम आर्टिकल 14 to 27 तक भी हम लोग यहाँ पे हर अलग अलग एडवोकेट्स चैलेंज कर रहे हैं। वेन इट कम्स, वेदर इट कम्स टू राइट टू प्राइवेसी, वेदर इट कम्स टू राइट टू एजुकेशन इज क्वेश्चन, राइट टू रिलीजन इज क्वेश्चन, वेदर विच राइट विल ओवर राइट क्या यहाँ पे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी भी आता है, राइट टू प्राइवेसी भी आता है, ईच एंड एवरी सिटीजन हैज़ इट्स ओन राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस, मैं क्या पहन सकता हूँ, मैं क्या नहीं पहन सकता, इट इज़ ऑल्सो फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड ऑल्सो इट कम्स अंडर राइट टू प्राइवेसी, अगेन द राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, एंड अगेन द क्वेश्चन अरेजेस वेदर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ओवर राइट द राइट टू फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, और इट विल बी मेंटेन्ड, उसका वेट करके क्यों कर, तो ईच एंड एवरी राइट इज़ इम्पॉर्टेंट, नो राइट कैन नॉट ओवरल एनी राइट, तो देर आर सर्टेन सिचुएशंस वेयर द फंडामेंटल राइट्स कैन बी कर्टेल टू अ सम एक्सटेंट बाई द स्टेट और बाई द कोर्ट, इट कैन बी सस्पेंडेड फॉर सम पीरियड, बट हियर दैट इज़ नॉट ए क्वेश्चन, here the question is that whether the hijab, whether the scarf, headscarf is a essential part of Islamic religion, Islam, whether the Quran quotes about, speaks about the hijab, whether it is very much essential part of Islamic religion, if it is violated then what will be the results, so ye question aata hai, the court should deeply go into that and
इन रेस्पेक्ट ऑफ द इन सपोर्टिंग टू द कुरानिक वर्शंस द हदीस ऑफ बुखारी एंड अदर्स आर टू बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट टू एक्सप्लेन दैट इट इज़ द एसेंशियल पार्ट एंड मीन वेल एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ऑल दी वेदर कुरान के अंदर जो भी दिया है क्या सब कुछ फॉलो करना पड़ता एडवोकेट कामट हैज ब्यूटिफुली रिप्लाइड दैट दैट इज़ अ लार्जर क्वेश्चन विच इज़ नॉट इन डिस्प्यूट नाउ इट इज़ द स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम हु शुड डिसाइड इस्लाम के स्कॉलर्स जो हमारे शरीयत को जो फतवा देते हैं जो वो बड़े बड़े उलमा उसका काम करते हैं वो उनको चाहिए अभी अगर ये फंडामेंटल राइट्स की जब बात आती है अब ये वेयरिंग ऑफ स्काफ सब रिलीजन में करते हैं स्काफ scientifically also if you go if you want to prove scientifically say, I have gone through I have researched that scientifically scarf is benefited to a person who a woman who is wearing how because it gives concentration towards the thoughts it the scarf also safeguards from the heat and it gives a neurological health I have gone through the research from made by the doctors it is available on the google and also in Kundaliana, while sitting in the yoga and so many of the Gurujis in the mats, they have told that wearing a scarf, covering the head, not wearing, covering the head at the time of practicing yoga or practicing in moksha or whatever it may be, it gives benefit to the person who is wearing the headscarf. So, if you go scientifically, it is not harming to any society. If I am wearing a scarf, it is benefited to me. And on the other hand, it is not what is not affecting to anybody. Sir ko cover karna chahe. Abhi ek ye ek dupatta odti hai hamari ladki jo dupatta odti hai veil. Agar usko utha ke aisa roll karke ban liye, to wo scarf hoga. What is wrong with that? Sirf separate head scarf. करना वही ज़रूरी नहीं है एक दुपट्टा उठाया ऐसा सिर के ऊपर गोल फिराया ऐसा अटका लिया इट इज़ ऑल्सो हेड स्कार्फ क्या अब ये हेड स्कार्फ ऐसा निकाला तो यू शुड नॉट वेयर ए वेल दुपट्टा नहीं ओढ़ना करके क्या था ऑर्डर कर देंगे इट इज़ ए क्वेश्चन नहीं सेपरेट इट इज़ अ सेपरेट अटायर इट इज़ अ सेपरेट क्लॉथ विच इज़ नॉट एन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इज़ यूनिफॉर्म विच इज़ अलॉटेड विच इज़ इंस्ट्रक्टेड टू वेयर बाई द इंस्टीट्यूशन Apart from uniform, the cloth is a different attire. वो उस uniform में join नहीं कर सकते Even in the uniform ये है क्या बोलते हैं veil है दुपट्टा है दुपट्टा को उठा को ऐसा बांध लिए तो it will become a scarf. तो वैसा बांधने के वास्ते भी उन्होंने दुपट्टा निकाला लोगों को भी बोल नहीं सकते So here that is a question. Now what exactly what I want to say यहाँ question आपको belief and faith का था belief फेथ जितना यकीन करना और उसके ऊपर ईमान लाना कुरान के ऊपर ईमान लाती हूँ कुरान में बताया गया है कि औरतों को कवर करो बोल के उनके आज़ा को यानी कि चेहरे और हाथ के अलावा दिखाओ मत ये पर्दे के अंदर आता है तो वो क्वेश्चन है यहाँ के जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियाम्बल में ही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रियाम्बल में ही गारंटी कर रहा है कि ये हिजाब ये बेसिक अगर ये बिलीफ को अगर नहीं इट इज़ नॉट एन एसेंशियल पार्ट बोलेगा तो दैट विल बी अनदर ए क्वेश्चन दैट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रियाम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन क्वेश्चन इट विल बी डैमेज बिलीफ के बारे में फिर बोल नहीं सकते फिर यहाँ अलग अलग बताया गया बिलीफ फेथ एंड वर्कशिप तीन अलग सिर्फ वर्कशिप बोल देते बिलीफ अलग वर्ड बोलता है फेथ अलग वर्ड बोलता है उसका अलग माना होता है वर्कशिप अलग बोलता है एक्चुअली इन ऑल क्या बोलते हैं नो रिलीज फ्रीडम ऑफ रिलीजन बोलेगा तो इट इज़ रिलीजन फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन बेस्ड ऑन द फेथ एंड बिलीफ